आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फाइब्रॉइड्स के होते फर्टिलिटी कैसे कम हो सकता है, आज का विषय है। फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं जो गर्भ में बढ़ने लगते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। 70% औरतों में ये किसी न किसी पॉइंट उनके लाइफ में बढ़ते हुए देखे गए हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से हमेशा फर्टिलिटी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बट अगर ये फर्टिलिटी के उम्र में, यानी कि फर्टिलिटी जब होना चाहिए, जब प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उस दौरान हो, तो एक औरत की फर्टिलिटी क्षमता या प्रेगनेंसी की क्षमता को कम कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जो गर्भ होता है उसके शेप में चेंजेस लाने में फाइब्रॉइड्स एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उसके साइज और लोकेशन की वजह से ये यूट्रस का जो शेप और साइज होता है ये बदलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जब एम्ब्रियो बनता है तब उसको चिपकने के लिए, यानी कि इम्प्लांट होने के लिए और बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये रक्त प्रवाह में भी इंटरफेरेंस कर सकता है। फाइब्रॉइड्स जो ब्लड सप्लाई होता है यूट्रस गर्भ में, उसको भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ये एम्ब्रियो होता है उसको डेवलप होने में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अगर आ भी जाए तो मिसकैरेजेस के भी चांसेस बहुत होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स को, यानी कि ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म शायद एग तक ना पहुंचे, पहुंच भी गए तो अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो वो नीचे आके इम्प्लांट ना हो पाए। बहुत लेवल्स में अगर फैलोपियन ट्यूब्स में है, फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी फाइब्रॉइड्स कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओविलेशन, यानी कि अंडा का रिलीज होना और उसके फर्टिलाइजेशन के चांसेस या आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी फाइब्रॉइड्स की वजह से आपके रिस्क बढ़ सकते हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर होना, मिसकैरेज होना या सिजेरियन सेक्शन होना फाइब्रॉइड्स की वजह से देखा गया है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स है तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करना चाहिए आपके ऑप्शंस के बारे में, उसके साइज और उसके लोकेशन की, वो कहाँ है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिससे आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही नहीं, आपके हेल्दी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।